सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं इंसान, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या इच्छाएं इनकी हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, तो कल संडे है और कल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ इंस्टाग्राम में, इसलिए प्लीज़ वेट मत कीजिएगा। मुझे बहुत अभी ज़्यादा थोड़ी सी शेड्यूल बहुत टाइट है मेरा, और कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाऊँगी तो इसलिए काम ज़्यादा है, इसलिए मैं कल लाइव नहीं आ रही हूँ। सो प्लीज़ मेरा वेट मत कीजिएगा इंस्टाग्राम में, जो लोग लाइव ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे का मैं बताऊँगी मैं आ रही हूँ कि नहीं। ठीक है ना, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था, आई थिंक जे पटेल था उनका नाम, क्वेश्चन था कि मेरे डीएम तो नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या मैं उनको कॉल मैसेज कर सकती हूँ, अगर नहीं की तो ऐसे में तो कोई भी नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सो समझिए इस चीज़ को, फीलिंग अलोन की एनर्जी यहाँ पे है। सो समझिए, अगर आप, आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स और आप एक्शन लेना अगर चाहते हैं तो उनके ट्रिगर के लिए आपको रेडी रहना होगा। आपने बहुत हीलिंग की, आपको भी लग रहा है कि आप बैलेंस हो, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे और वो ट्रिगर करेंगे जब आपको, तो फिर आप फिर से लो हो जाओगे। अगर उनके ट्रिगर को लेने के लिए आप रेडी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार कॉल करते रहेंगे तो उनको कभी रियलाइजेशन ही नहीं होगा, उनकी अवेकनिंग होगी नहीं, उनको ट्रिगर नहीं मिलेगा, वो बस आपको ट्रिगर करते जाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी को मिस करें वो, और जब आपकी एनर्जी को बहुत मिस करते हैं तभी आपके पास वापस आते हैं। अगर आप उनका एनर्जी ऐसे देते रहोगे तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे अगर, तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। जब वो डिस्कनेक्शन फील करते हैं तभी वो वापस आते हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एनर्जी को देना। वो एनर्जी वैसी एनर्जी नहीं कि वो आपकी एनर्जी लेके बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी नहीं, लेकिन आप जब उनकी एनर्जी से कनेक्टेड होते हो तो उनको आपकी एनर्जी मिलती रहती है, लविंग एनर्जी, जो कि जिससे वो एक्शन नहीं लेते हैं। उनको पता होता है कि अभी भी आप बने हैं इस रिश्ते में और वो एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं उनका एक्शन तो आपको वेट करना चाहिए ताकि वो एक्शन ले। टाइम लगता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो एकदम डेफिनेटली टाइम लगेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है जहाँ पे समझिए कि प्रेम, कहते हैं कि प्रेम प्रेम क्षण मात्र का और विरह अतः, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, छोटा सा यूनियन होता है और लंबा सेपरेशन होता है, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। सो थोड़ा सा आपको समझना होगा ये चीज़ें। ठीक है, ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाँ, ये देख रहा है मुझे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 5, 6, 8, 9, 11, 8, 5, 8, 9, 19 and 5। ठीक है, डबल नंबर्स को सिंगल कर सकते हैं आप। सो ये इंसान जो है ना, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये डिटैच होना चाहते हैं आपसे, ये फ्यूचर देख रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये सोच रहे हैं। ठीक है, क्या है फ्यूचर,
हमेशा आप अलग ही रहते हो, हमेशा लड़ाइयाँ ही होती हैं, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, चीज़ें सही कम होती हैं, गलत ज़्यादा होती है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कम करते हैं, मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कम करते हैं, डाउट ज़्यादा करते हैं। सो ये इंसान जो है ना फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं, आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, थोड़ी सी एक लो वाइब्रेशन आप कह सकते हैं, या फिर एक अकेलापन, खालीपन, ऐसी एनर्जी कह सकते हैं, जहाँ पे ये इनको पता है कि आप इनके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन है तो ये अकेले, सेपरेशन में है ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि डिटैच्ड होना है आपसे, या फिर आप डिटैच्ड हो रहे हो, और ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या है ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ थ्री ऑफ वॉन्स की एनर्जी, वन मोर टाइम प्लीज। वही एनर्जी है जहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा, ये आगे तो बढ़ रहे हैं, या फिर आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे एक दूसरे से आप लोग दूर हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर में ये रिश्ता कहाँ रहेगा इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। ठीक है, सो फीलिंग्स इनकी, अच्छा ये ओवरऑल लाइफ एनर्जी इनकी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये और भी लोगों से डिटैच्ड हो रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बात नहीं करना, कलीग से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, फ्रेंड्स को इग्नोर करना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान शांति चाहते हैं और अकेलेपन में है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, फीलिंग्स में डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, इनको लगता है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और जस्टिस ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनको लग रहा है सारे रास्ते बंद है, दरवाजे बंद है, कोई क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है जो इनको चाहिए। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, अब लिए हैं चाहे नहीं लिए, लेकिन लग रहा है इनको, ठीक है, कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। ऐसा होता है ना कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि हमने पढ़ाई की चाहे नहीं की, हमने इतनी पढ़ाई की, हमें नंबर ही नहीं आए, तो वो एनर्जी है। ठीक है, जहाँ इन्होंने एफर्ट्स लगाए चाहे नहीं लगाए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए और इनको जस्टिस नहीं मिला, तो इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि कहाँ इनसे गलती हो गई, कहाँ पे ये कमी कर दिए, या फिर ये ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाया, लेकिन आपको इन्होंने जस्टिस नहीं दे पाया, लेकिन आपको, आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, वो एक क्लियरिटी इनको मिल गई। ठीक है, सो इसलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इसलिए मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए डिटैच्ड हो रहे हो, क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला जो आप चाहते थे। अब आपकी तरफ से एफर्ट्स आपने बहुत लगाए हैं, जो कि इनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अब जिस रिश्ते में ये इंसान है या फिर अकेले भी हैं, तो वो अकेलापन, या फिर किसी के साथ हो कि भी अकेलापन वाला एहसास, ये जो है इनको ये एहसास दिला रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। सो अगर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, और इनको वो क्लियरिटी मिल गई है कि क्यों आप मूव ऑन कर रहे हैं इनसे, क्यों आप एक्शन इनके टूवर्ड्स नहीं ले रहे हैं, क्यों आप कोशिश नहीं कर रहे हैं इनसे कनेक्ट करने की, इनको ये क्लियरिटी मिल गई। फीलिंग्स में ऐसी है इनकी, इनकी फीलिंग्स ऐसी है आज की। ठीक है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपने इनको प्यार सिखाया है। ठीक है, देखिए इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको, आपके पास सब कुछ वो है जिससे कि आप किसी इंसान को खुश रख सकते हैं, या फिर आपके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, लाइक आपको सब कुछ पता है, टेक्निक, टेक की एनर्जी यहाँ पे, देखिए आपको सब कुछ पता है कि कैसे किसी रिश्ते में एफर्ट्स लगाया जाता है, कैसे किसी को खुश रखना है, कैसे लव केयर कंपैशन लेके आना है, कैसे किसी रिश्ते को नर्चर करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स ले पाते हो, मतलब एफर्ट्स लेना आपको आता है। अब ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको लेना ही नहीं आता एफर्ट्स। ठीक है, किसी रिश्ते को नर्चर कैसे करना है इनको नहीं पता है। सो या तो ये मस्कुलाइन एनर्जी में है, या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में है, जहाँ पर आपको पता है कि एक बीज अगर लगाते हैं हम, तो उसमें पौधा बनाने के लिए उसको उसमें पानी डालना होता है, उसको धूप दिखाना होता है ना, उसमें खाद डालना होता है। सो ये पता है आपको, लेकिन इनको नहीं पता है, इनको लग रहा है बीज लगा दिया छोड़ दो हो जाएगा अपने से, बारिश होगी तो पानी आ जाएगा, धूप निकलेगी तो धूप पड़ जाएगी, ऐसे। ठीक है, सो इनको नहीं आता है नर्चर करना, जो कि आपको आता है। सो ये इंसान सीख रहे हैं आपसे कि कैसे एक रिश्ते में नर्चर करना होता है, कैसे इस रिश्ते को नर्चर करना होता है, कैसे एक बीज लगाने से उसमें उसको पौधा बनाने के लिए उसमें पानी डालना होता है, उसको धूप दिखाना होता है, उसमें खाद डालना होता है, टाइम टाइम से सारे एफर्ट्स लेने होते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना होता है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान और भी आपसे सीखे,
ये आपके साथ बने रहे, इसलिए ये आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं इंटेंशनली। सो अगर कुछ लोगों की एनर्जी रेस्टलेस हो रही है बार बार, एकदम बैलेंस होने के बावजूद भी अभी कुछ दिन से आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, मन कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मन कहीं और नहीं लग रहा है, बार बार इनकी याद आ रही है, आँखें भर रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, इनकी याद आ रही है, अगर ऐसा कुछ है पास्ट में, अगर ये सब नहीं हो रहा था, मतलब मैंने कुछ दिनों पहले अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी और अभी हो रही हैं, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनको पता है कि आपको भी इनके साथ न्यू बिगनिंग करना है, आप इनके बिना आप खुश नहीं हो, इनको पता है, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करते दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप न्यू बिगनिंग आप करना चाहते ज़रूर हैं, आप इनको सॉरी या फिर कोई ऑफर देना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, ऐसा दिख रहे हैं। देखिए ये इनको पता है कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं प्यार इनसे, तो ऐसा हो सकता है कि आप इनका स्टेटस चेक कर रहे हो, इनको पता चल रहा हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिनसे इनको ये पता चल रहा है कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हो, रोक रहे हो खुद को, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक स्पीड और एक ग्रोथ की एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये इंसान एक्शन नहीं लेते हैं, इसीलिए ये इंसान सिर्फ देखते हैं आपको छुप छुप के, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, लेकिन वो ऑफ़र जो है ना, ऐसा ऑफ़र होगा जहाँ पे ये इंसान सामने आके कोई एक्शन नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना, मतलब रिस्क नहीं लेंगे कोई। अगर आप बोलो इनको कि सबके सामने बोल दो, समाज के सामने, कि आप प्यार करते हो मुझसे, नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे छुपाओ, ये सारी चीज़ें बोलने की नहीं है, ठीक है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलेंगे। ये इंसान ऐसे इंसान हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं इंसान, कनेक्ट तो करना चाहते हैं आपसे ये इंसान, कॉल मैसेज बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन ये इंसान जो है ना रिस्क टेकर नहीं है, एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन वो छुप छुप के, सबके सामने अगर आप बोलो कि खुलेआम बोल दो आप कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो नहीं बोलेंगे इंसान, क्यों? क्योंकि डार्केस्ट फियर है इनका, ये कुछ चीज़ें इनके अंदर है जो वाउंडेड है इंसान, ये कुछ ऐसे फियर, डर, समाज का डर, लोगों का डर, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वैसे वाली की एनर्जी है, जो कि इनको भी पता है कि ये ऑब्स्टिकल है, ये डरते हैं इंसान, इनमें गट्स नहीं है, ठीक है, यही है ऑब्स्टिकल यहाँ पे, इनमें वो विल पावर नहीं है कि एक इंसान सामने आके ये बोल सके कि यस ये किसी से रिलेशनशिप में है, ये फिर मैरिज करना चाहते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ना अपनी फैमिली में बोल सकते हैं, ना अपने फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हैं, ना समाज में बोल सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपना प्यार छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि इनके अंदर डर है। अब डर ये हो सकता है कि आपको फेस करने का डर भी हो सकता है इनके अंदर, कि ये इंसान पे वो गट्स नहीं है कि आपको आके फेस कर पाए, पता नहीं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपका रिएक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आपका रिएक्शन ये इंसान नेगेटिवली ही इमेजिन कर रहे हैं कि आप नेगेटिवली ही रिएक्ट करोगे, ठीक है। आपको देख रहे हैं दूर से और ये भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको देख देख के थक रहे हैं या तो, या फिर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, या फिर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या फिर दुखी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, दुखी तो हो रहे हैं क्योंकि अलोननेस की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले हो गए इंसान, कोई नहीं है इनके साथ, अगर कोई है भी तो इनको नहीं चाहिए, अकेले रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, जो चूँकि एक चेंज की एनर्जी है, हर्मिट वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, कौन है इनका अपना, कौन है पराया, किसके लिए इनको एफर्ट्स लेना चाहिए, क्यों आपसे मिले हैं, क्यों इतना कनेक्शन है आपसे, ऐसा कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए थर्ड आई चक्र की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ ना कुछ इनको दिख रहा है, ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं अपने अंदर की एनर्जीज़ को, या फिर आप दोनों के बीच जो भी चल रही है चीज़ें उस पर बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है इनका, या फिर क्लिंजिंग हो रहा है, जिससे कि इनको कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें ये इंसान ट्रस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ आउटकम में शाइन की एनर्जी है और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी ज़रूर ये चाहते हैं, इस सेपरेशन को ख़त्म करना ज़रूर चाहते हैं, द स्टार की एनर्जी, हीलिंग चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, माई गुडनेस, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान, क्लियरिटी के साथ, एक इमोशनल
प्रपोजल आपको देना चाहते हैं इंसान, बॉटम ऑफ द डेक है, मन में ये है कि काश आपको ये बोल सकते अपने मन की बात, काश अपना प्यार का कप आपको दे सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, ठीक है। लेकिन ये इंसान हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है इनमें, तो क्या कीजिएगा, गट्स नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। कोई भी काम करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए हमें हिम्मत चाहिए होता है ना, तो ये इंसान हिम्मत नहीं है, क्यों, क्योंकि डार्केस्ट फियर इनका यही है, या तो आपको फेस करना ये इनके लिए बहुत मुश्किल का काम है कि आपको ये नहीं फेस करना चाहते हैं, आपका रिएक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली को फेस करना पड़ेगा इनको ये डर है, या फिर समाज को फेस करना पड़ेगा ये डर है। सो कुछ ना कुछ डर इनके अंदर है जिसके चलते ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल सिर्फ इनका फियर है, डार्केस्ट फियर मतलब अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि इनको भी नहीं पता होगा। ये अपने डर को ईगो दिखा रहे होंगे, अपने डर को ईगो बता रहे होंगे, एक्चुअली ईगो पीछे है, डर आगे है, ठीक है। ज़्यादा डरते हैं इंसान, ईगोइस्टिक बाद में है। सो कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इंसान, या फिर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इंसान। Some more guidance please divine, my dear angels, talk to me please. One more time please. Mother Earth की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रीबर्थ की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि काश सारी चीज़ें सही हो जाती, काश एक रीबर्थ होता। 1 और 2 की एनर्जी, 1 और 2 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, जो कि इम्प्रूवमेंट की तरफ है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, फीलिंग्स बढ़ रही है इनकी। ये चाहते हैं कि एक रिबर्थ हो आपके रिश्ते का, अगर आपके मन में प्यार ख़त्म हो गया तो फिर से आपके मन में प्यार इनके लिए आए, ये चाह रहे हैं, ठीक है। होलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी है जहाँ पे इंटेंशनली ये इंसान आपसे सीखना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल पावर की एनर्जी है जो कि आप ये इनको लग रहा है कि आप कंट्रोल जो कर रहे हैं ना खुद को, सो आप में बहुत पावर है, आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल पावर है, जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर ये इंसान आपके टूवर्ड्स आएंगे, कुछ बोलेंगे भी, तो अभी आप ऐसे पावरफुल एनर्जी में हैं जहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, जहाँ अपनी फीलिंग्स पे आप कंट्रोल कर लोगे। सो इनको लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, आप में बहुत पावर आ गया है, जिससे कि आपके सामने इंसान आके भी अगर अपनी फीलिंग्स बोलेंगे तो आप रिएक्ट करोगे ही करोगे, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, और जो गुस्सा आपका है वो निकालोगे इनके ऊपर, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप में बहुत ज़्यादा पावर आया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लिसनिंग की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, सो ये इंसान आप जो इनको बोलोगे ना, रिएक्शन जो है ना, वो ये इंसान सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल है, ये सुनना नहीं चाहते हैं आपसे, कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं आपसे, ठीक है। मतलब अगर आप प्यार से बात करो तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंसान अप्रोच करेंगे आपके टूवर्ड्स, और अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इनका दिल टूटेगा, तो ये इंसान वो सब नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। लाइफ पर्पज़ की एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर ये इंसान आपके साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस पे आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सेल्फ मास्टरिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये ऑफर देना चाहते हैं आपको, लेकिन ये इंसान इंट्रोस्पेक्ट करते दिख रहे हैं। देखिए ऐसे अकेलेपन में ये इंसान बहुत कुछ सोचते समझते दिख रहे हैं, अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, वेट सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Some messages, please, divine. One more time, please. Oh. Sure. I'm afraid of love. ये इंसान डर रहे हैं। अफ्रेड ऑफ लव का मतलब ये है, प्यार तो चाहिए इनको, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्शन कैसे लेंगे, आपको कैसे फेस करेंगे, समाज को कैसे फेस करेंगे, फैमिली को कैसे फेस करेंगे। सो ये डर रहे हैं, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, सपना देख रहे हैं आपके दिन में। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, आपको जैसे रेस्पेक्ट किया इन्होंने वैसे और किसी को रेस्पेक्ट नहीं किया है, इनका कहना ये है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, इनका प्यार डे बाई डे बढ़ रहा है, ठीक है। Why did you break my heart? आपने का दिल क्यों तोड़ा?
आपने तोड़ा चाहे उन्होंने तोड़ा, इनको लग रहा है कि आपने तोड़ा, ठीक है। आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत बुरी तरह से ये इंसान याद कर रहे हैं, जो कि इस एनर्जी से दिख रही है ना। फीलिंग्स भी उनकी फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है और आपको बहुत मिस करते हुए एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ऐसा हो सकता है कि आपने स्टेटस में वगैरह में कुछ ऐसे पिक्स लगाए हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर आप किसी और के साथ हैं भी अगर, तो भी इनको वो देख के जलन हो रही है, इनका कहना ये है, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको स्टॉक कर रहे हैं इंसान बहुत बुरी तरह से, आपकी पल पल की खबर इनके पास है। आई स्मेल योर, आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं, क्या बात। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो किसी को बताया होगा इन्होंने, फैमिली मतलब या तो मम्मी को या फिर किसी को, कजन्स को या फिर किसी को बताया इन्होंने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, ये विश कर रहे हैं कि काश आप इनसे बात करते, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप रेडी हैं अपने पार्टनर के ट्रिगर्स लेने के लिए, तो आप एक्शन ले सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि आप बैलेंस्ड हैं, आपको नहीं ट्रिगर होगा, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे, मिरर है आपके ये, जो आपके अंदर नेगेटिविटी होगी वो सरफेस होगी ही होगी और आप ट्रिगर होंगे ही होंगे। सो इसलिए पेशेंसली वेट करें, इनको चेंज होने दें। और जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो अपने पार्टनर को पूरी तरह से रिलीज़ करें। रिलीज़ अगर आप नहीं करोगे, क्लोजर नहीं दोगे अगर आप, तो ये एनर्जी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएगी, वहाँ भी यही साइकिल रिपीट होगी, इस लूप में आप रहोगे, जो कि यू नो बहुत अपने आत्मा को मारने वाला एक काम होता है, अपनी आत्मा को डैमेज करने वाला एक काम है। सो वो मत करें, इनको रिलीज़ करें। कैसे रिलीज़ करोगे, इनको माफ़ करें, पूरी तरह से माफ़ करें इनको, और उसके बाद आगे बढ़ें, जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और जो लोग मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, वेट करें पेशेंसली, अपने ऊपर काम करें, अपने एनर्जीज को बैलेंस करें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, वही होगा जो आप चाहेंगे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।